हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 6% जीएसटी स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी मार्केट में कंपोजिशन स्कीम के नाम से भी चल रही है, लेकिन वो एक्चुअली जो सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम है उसके अंदर नोटिफाई नहीं की गई है। वो एक सेपरेट स्कीम नोटिफाई की गई है जिसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि 7 मार्च 2019 को इशू किया गया है। ये जो सेंट्रल टैक्स रेट का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर 3% रेट को नोटिफाई किया गया है, और थ्री इक्वलेंट रेट जो 3% है उसको SGST में भी नोटिफाई किया गया है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान चार्ट्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन चार्ट्स। तो सबसे पहले जो चार्ट हमारे सामने आता है, ये जो कंपोजिशन स्कीम जो GST 32nd GST काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन के दौरान नोटिफाई की गई थी, उसके समरी और व्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है 6% जो कंपोजिशन स्कीम से बिल्कुल सिमिलर है, वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2019 से। ये बेसिकली जो स्कीम है वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए सरकार ने नोटिफाई की गई है। जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो भी कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं और कंप्लायंस जो सिंपलर कंप्लायंस है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सेकंड जो फीचर आता है इस स्कीम के अंदर वो ये है कि अगर जो जो डीलर मिक्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, और जो जो एग्जिस्टिंग जो कंपोजिशन स्कीम है जो सेक्शन 10 के अंदर है CGST Act के, उसमें एलिजिबल नहीं है, तो वो इस 6% की GST स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमें इसमें जो टर्नओवर बेसिस पे टैक्स देना होगा वो 6% रेट ऑफ टैक्स रहेगा इसका, और इसमें जो टर्नओवर की लिमिट जो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है वो होगी 50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। ओके, और इसके लिए सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी और क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स एज ए फॉर्म ऑफ सिंपल डिक्लेरेशन देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट चार्ट की हम बात करें तो हमारे सामने ये आता है। चलिए शुरू करते हैं। से थैंक यू। चलिए अब नोटिफिकेशन में दी गई कुछ कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की होगी वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो दी गई है वो दी गई है कि जो जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, और ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो मोर डिटेल के लिए उस वीडियो को रेफ़र करें चैनल में जाके। जो नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है, नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10, यानी कि जो सेक्शन 10 में जो कंपोजिशन स्कीम को नोटिफाई किया गया है जो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, उस स्कीम के अंदर वो रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उस सेक्शन 10 में ये दिया गया है कि अगर आपकी आपकी सर्विसेज की टर्नओवर पूरी टर्नओवर के 10% तक है तभी आप उस सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी सर्विसेज की टर्नओवर पूरी टर्नओवर के 10% से एक्सीड कर जाती है तो आप उस सेक्शन 10 में जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम है उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उसमें अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हैं तो आप इस 6% GST स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये दोनों स्कीम आपस में क्रॉस रहेंगी। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है कि नॉट एंगेज इन मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट की गई है उस गुड्स और सर्विसेज में डील नहीं कर रहा हो, ना ही नॉन टैक्सेबल जो गुड्स हैं उनमें डील कर रहा हो,
और नॉन टैक्सीबल का भी यहाँ पे मतलब है निल रेटेड, जिस पे रेट ऑफ टैक्सी 0% है, जो कि नेसेसिटी गुड्स पे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। और नेक्स्ट आता है नॉन जीएसटी गुड्स। नॉन जीएसटी गुड्स यानी कि पेट्रोल, डीजल या नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऐसे आइटम्स नॉन जीएसटी आइटम में आते हैं, इनमें भी वो रजिस्टर पर्सन डील नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरेस्ट रेट सप्लाई। जो भी पर्सन इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहा हो, ना तो वो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम को अडोप्ट कर सकता है और ना ही इस 6% जीएसटी स्कीम को अडोप्ट कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन ना तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हो जिसको जिसके कि टीसीएस को डिडक्ट करने की लायबिलिटी बन रही हो। तो नेक्स्ट कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अगर ये जीएसटी स्कीम आपने एक रजिस्टर पर्सन अडोप्ट करता है तो सभी जीएसटी नंबर पे अप्लीकेबल होगी जो कि एक सिंगल पैन पे अलोटेड हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि नॉट कलेक्ट एनी टैक्स, जो कि कंपोजिशन स्कीम की तरह सिमिलर फीचर है कि वो टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता और जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, उसको टर्नओवर के बेसिस पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे प्रेस्क्राइब है 6%। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है कि उसको ITC डिसअलाउड होगा, जैसा कि कंपोजिशन स्कीम में भी यही फीचर रहता है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी चीज़ का नहीं मिलता और उसको टर्नओवर के बेसिस पे टैक्स देना होता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है जो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है, उसमें कहा गया कि उस जो भी पर्सन 6% जीएसटी स्कीम को अडोप्ट कर रहा है उसे बिल ऑफ सप्लाई को इशू करना होगा और वो टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता, और प्लस में उसे बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर मेंशन करना होगा जो कि स्पेसिफिक वर्डिंग दी गई है इस नोटिफिकेशन में। ये लिखना होगा कि टैक्सीबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 7 मार्च 2019 नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखनी होगी जो कि सिमिलर टू कंपोजिशन स्कीम है, जो वहाँ पे लिखना होता था कि कंपोजिशन डीलर हैंस नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 10, जो सिमिलर वर्डिंग कंपोजिशन स्कीम के लिए दी गई थी वो यहाँ पे दी गई है कि आप नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, ये बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि आपको रेट कितना चार्ज करना होगा, तो रेट कितना पे करना होगा गवर्नमेंट को जो टर्नओवर बेसिस पे करना होगा, तो यहाँ पर मेंशन किया गया 6% जीएसटी इन टोटलिटी ऑन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी कि आप टैक्सेबल कर रहे हो उस पर भी 6% और एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो वो भी उस पर भी 6% जीएसटी पे करना होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है, यानी कि अगर आप कोई एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो जो लोन्स एंड एडवांस किसी दूसरी पार्टी को दे रहे हो और उसके अगेंस्ट आप कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, वो कंसिडरेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको ये इस एग्जम्प्ट सर्विस पर 6% जीएसटी नहीं देना होगा, यानी कि जो कैलकुलेशन होगी 6% की उसमें इस वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट परसेंट आता है कि नेक्स्ट कंडीशन आती है कि आपको आरसीएम की लायबिलिटी किस रेट पर देनी होगी, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो भी सेक्शन 9 और 9.4 में जो आरसीएम की लायबिलिटी बनती है दोनों सेक्शन में, उन पर भी 6% जीएसटी पे करना होगा, चाहे उस आइटम या सर्विस पे 18% हो या 28% हो। चलिए अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंडीशन आती है कि नॉट सप्लाइंग पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम, जो कि कंपोजिशन स्कीम में भी ये कंडीशन डाली होती है कि अगर आप इन आइटम्स में डील करोगे तो आप ये 6% जीएसटी स्कीम नहीं ले सकते। जो लास्ट कंडीशन और एक्सप्लेनेशन आती है कि अगर किसी ईयर में कोई रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी इस स्कीम को अडोप्ट करना चाहता है और तो उसको किस वैल्यू की टर्नओवर पर 6% जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून तक अगर उसकी टर्नओवर 21 लाख पहुँच जाती है तो यहाँ पे उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है लेना पड़ेगा क्योंकि
मान लेते हैं कि ये प्योर सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कंपलसरी हो जाती है। तो इस केस में जो 6% जो जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पे बनेगी, जो कि 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से जितना भी ज़्यादा है उस पर 6% जीएसटी की कैलकुलेशन होगी, जो कि 6,000 आएगी। लेकिन लेकिन जो एलिजिबिलिटी के लिए जो 50 लाख की एलिजिबिलिटी है उसके लिए टर्नओवर पूरे 1 अप्रैल से लेके जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है इस स्कीम के लिए वो कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि जो टर्नओवर के लिए जो कैलकुलेशन होगी उसमें 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो भी टर्नओवर है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा 50 लाख के कैलकुलेशन के लिए। सो इस स्कीम के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहे प्रोफेशनल ज्ञान चैनल से। थैंक यू।